सिर्फ 6 महीने दीजिए, दिल्ली आया तो पीओके पे भारत का झंडा होगा। योगी के ऐलान से मच गया हड़कंप, क्या योगी दिल्ली आने वाले हैं? जो बयान अमित शाह को देना था वो बयान योगी ने क्यों दे दिया? क्या दिल्ली आने का इशारा है? योगी के बयान में क्या छिपा है राज? पीओके पर ऐसा ना मोदी बोले, ना शाह बोले, ना ही कभी जयशंकर बोले। आरएसएस का इशारा मिलते ही योगी के बदले सुर मुसलमानों को हड़काया। जिस दिन केजरीवाल योगी की कुर्सी जाएगी का बयान दे रहे थे, उस दिन क्या बीजेपी में कुछ ऐसा लिखा जा रहा था जिसकी जानकारी केजरीवाल को नहीं थी? पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है, सुषमा स्वराज से लेकर जयशंकर तक विदेश मंत्री बने, लेकिन योगी की तरह बयान किसी ने नहीं दिया। पीओके पर जयशंकर इशारे ही इशारे में दावा करते हैं कि जब हम चाहेंगे उसको हम ले लेंगे, लेकिन योगी ने तो ऐसा दावा कर दिया यहाँ से लेकर लाहौर तक भूचाल आ गया। पीओके पर योगी का बयान सुनवाए, उसके पहले उनके बदले बदले मिजाज वाले बयान भी सुनिए। मुसलमानों को लेकर योगी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसका वीडियो देश भर के मुसलमान ढूंढ ढूंढ कर देखना चाहते हैं। मुसलमानों को लेकर लगातार योगी और खतरनाक हो गए हैं। कई बयान दिए जो दावा करता है कि उनको अब कुछ बड़ा करने का इशारा आरएसएस से मिल गया है। नरेंद्र मोदी जब मुसलमानों पर बयान देते हैं तो विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है ऐसे बयानों की, तो विपक्ष कभी मुद्दा बना ही नहीं पाता और बीजेपी का काम हो जाता है। एक बयान ऐसा दिया योगी ने जो शायद यूपी के मुसलमानों को पसंद ना आया हो। योगी कहते हैं हमारे प्रदेश में 6.5 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, किसी में हिम्मत है कोई चू करके दिखाए। प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूँ, 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। एक दिन योगी 2 बयान देते हैं, पहले मुसलमानों की बात करते हैं फिर पीओके की बात करते हैं। कहते हैं योगी के पीओके के बयान में बहुत कुछ छुपा है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए पूरी कहानी, लेकिन पहले योगी का बयान सुन लीजिए। देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। तो क्या योगी आदित्यनाथ के सुर बदल गए हैं? पर सवाल उठता है क्यों? इशारा किसका मिला? क्या कहते हैं सियासी पंडित, योगी को ऐसे फॉर्म में आना क्यों पड़ा? और यूपी की जमीन से सीधे पीओके की बात के पीछे का सच क्या है? जब बीजेपी इलेक्शन में फंसती है तो याद आते हैं योगी आदित्यनाथ। पीओके पे जब किसी का बयान असरदार नहीं लगता तब आया योगी का बयान। योगी आदित्यनाथ के एक बयान से क्या बदल जाता है पूरी तरह से चुनाव? इलेक्शन किंग कैसे बने योगी? पीओके योगी कैसे ले लेंगे? वो तो यूपी के सीएम है, तो क्या उनके बयान में छिपी है कोई बड़ी कहानी? वो दिल्ली आने वाले हैं, क्या आरएसएस ने उन्हें पाकिस्तान और पीओके पर ऐसा बेबाक बयान देने की इजाजत दे चुका है? बीजेपी के पास जो बड़ा एजेंडा है उसमें एक नाम है पीओके का। शाह का संसद के भीतर का बयान और योगी आदित्यनाथ का दिया गया पीओके पर बयान भी सुनवाते हैं। देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? आप बताइए किसके बयान में ज्यादा दम है और कौन आ रहा है पीओके लेने? अगर योगी दिल्ली आ रहे हैं तो फिर पीओके कभी भी आ सकता है।